Hi everyone, a very warm welcome to all of you to Exam Academy. My name is Yashika Tandon, presenting you very important video. जिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स के ऊपर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर वेरियस गवर्नमेंट एग्जामिनेशन. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लाइक SSC, UPSC, PCS एंड स्टेट एग्जामिनेशन, दिस वीडियो इज़ फॉर यू. ये डेली करंट अफेयर्स की वीडियोज़ हैं जिसमें टॉप हेडलाइंस एंड टॉप आपके MCQs जो हैं वो डाले जाते हैं. आप इन वीडियोस के डेली नोट्स भी बना सकते हैं सो दैट एग्ज़ाम आने पे आपके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो हों. ठीक है, तो अभी अभी जो है सबसे पहली इम्पॉर्टेंट हेडलाइन आती है वो आती है कुबास बिन सैयद जी की डेथ हो गई है, जिसमें हम PM मोदी जी ने कंसोलिडेट भी किया है. अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है ना, ये सुल्तान कहाँ के थे ये आपसे पूछा जा सकता है, वो है ओमान के. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये पूछा जाएगा कि अभी अभी सुल्तान की डेथ हुई तो वो कहाँ के रहने वाले थे. तो यहाँ पर ये हेडलाइन के लिए गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है. उसके बाद इन पर्सन के बारे में मैं बता देती हूँ ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं. इनको इंटरनेशनल जवाहरलाल नेहरू अवार्ड भी एक बार दिया गया है फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए. फाइन, नेक्स्ट देखिए वर्ल्ड हिंदी डे. वर्ल्ड हिंदी जो कि हमारी हिंदी मातृभाषा है, ये एवरी ईयर 10th of January को मनाई जाती है. आपको याद रखना है इसका. ऐसा इस बार कोई ऐसा थीम नहीं रखा गया है तो अभी आप इतना ही याद रखिए. हिंदी जो है हमारी 5th largest स्पोकन लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड. ठीक है, यानी कि विश्व हिंदी दिवस, नेशनल और विश्व हिंदी दिवस में बहुत फ़र्क है. विश्व मतलब होता है वर्ल्ड, पूरे ग्लोब में आपका विश्व हिंदी दिवस जो है वो मनाया गया, जो कि 10th of January को. उसके बाद गुजरात एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, ठीक है, यानी कि गुजरात एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ने इंपोर्ट किया है वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र फ्रॉम चाइना. ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस तो इतना खास नहीं बनता है, बट आपको यहाँ पे पता लगता है कि चाइना जो है वो एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन यानी कि एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी फेमस है. अगर मैं चाइना के बारे में बात करती हूँ गाइज, मिल्क प्रोडक्शन जो है सबसे ज़्यादा चाइना में होती है, वीट प्रोडक्शन जो है सबसे पहले नंबर पर है, सेकेंड नंबर पर आपका काउ मिल्क में इंडिया फर्स्ट आता है, बट ओवरऑल अगर वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं तो इंडिया जो है वो सेकेंड नंबर पर आता है. ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कौन सा पर्टिकुलर ग्रेन्स एंड ऑल दैट में आगे है. ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने लॉन्च किया है इंडिया एनर्जी पॉलिसी रिपोर्ट इन द कोलैबोरेशन विद नीति आयोग. अब यहाँ पर देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि इस एजेंसी ने किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन किया, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. अब इस रिपोर्ट के अनुसार हुआ क्या है, इस रिपोर्ट के अनुसार आपका ऑयल डिमांड ऑफ इंडिया विल रीच 6 million barrels. ठीक है, अब आपको बताना है कि पेट्रोलियम के लिए सबसे पहला वर्ल्ड में कौन है. ठीक है, तो ये आपको ये नहीं करना कि सऊदी अरेबिया, नो सऊदी अरेबिया नहीं है, सऊदी अरेबिया जो सेकंड या थर्ड नंबर पे आता है. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि फर्स्ट नंबर पे कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगला देखिए, आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर जगन मोहन, आपसे यहाँ पर यह भी पता लगता है कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, जगन मोहन. उन्होंने अम्मावधि स्कीम जो है अक्टूबर चित्तौर में लॉन्च की. ठीक है, लॉन्च करने की बात की है अभी अम्मावधि स्कीम. अब यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाएगा कि अम्मावधि स्कीम क्या है. मैं आपको MCQs में ये सारी चीज़ें करवाती हूँ, क्या क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी है. वो वीडियो डेली सुबह डल जाती है, टॉप 10 हेडलाइंस जो है वो रात को डलती हैं, तो आपको डेली MCQs भी देखने हैं और डेली वीडियोज़ भी देखनी है. अगला देखिए, PM मोदी इज़ ऑन 2-day ऑफिशियल विजिट कोलकाता ऑन January 11 to January 12. ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक चीज़ बात याद रखना, कोलकाता में जो भी आपकी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ चल रही है उसको ऊपर ध्यान देना. कोलकाता के जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं वो ध्यान देना, अगर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके ऊपर ध्यान देना, ये सारे काम आपके हैं. अगर कोई विजिट हो रही है इट मीन्स कुछ ना कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट होगा जो आपके करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है. वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जब आपकी ये हो जाएगी, जब ये सारा कुछ हमें डिटेल्स वगैरह आ जाएंगी, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे. श्री अमित शाह इनॉग्रेट्स इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है, इन न्यू दिल्ली. अब यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि इंडियन साइबर क्राइम जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया. सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन कहाँ पे, कौन से स्टेट में यानी कि यूनियन टेरिटरी में हुआ है. तो ये आपको पता होना चाहिए जी, न्यू दिल्ली, ठीक है, यूनियन टेरिटरी या स्टेट में लॉन्च हुआ है. ठीक है, तो न्यू दिल्ली आपको पता है हमारी कैपिटल है. ओके फाइन,
23rd National Youth Festival 2020 to be organized from 12th to 16th January 2020. अब यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाएगा कि नेशनल यूथ फेस्टिवल कब ऑर्गेनाइज किया गया और कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, ये क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि ये कहाँ पर हो रहा है। सेकेंड, आपके लिए एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर रखना चाहूँगी, ये सारे आपको मैं बताती जाती हूँ MCQs में, बट थोड़ा काम आपको करना पड़ेगा, सो दैट ऐसा होता है कि जैसे जैसे आप हेडलाइंस देख रहे हो आप अपने आप से वर्क करोगे, मैं तो यहाँ पे एक सेकेंड में बता दूंगी आपको, बट अगर आप खुद वर्क करोगे तो इस पर आपको क्या होगा कि आपको याद रहेगा। सबसे पहले आपको ये भी बताना है कि नेशनल यूथ फेस्टिवल कब मनाया जाता है, ये जो है स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पे मनाया जाता है, बताइएगा कब आता है उनका जन्मदिन। ओके, द डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड हैज लॉन्च द पेपरलेस लाइसेंस प्रोसेस थ्रू पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिंग सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, पेसो। आपसे पेसो से जो है फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, जो अभी अभी न्यूज़ में थी इस तरीके से, या इस पर्टिकुलर हेडलाइन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसके कौन से दो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पेपरलेसिंग्स प्रोसेस जो है वो की। ठीक है, तो बस यही क्वेश्चन ऐसे बनता है और इसमें कोई ऐसा खास क्वेश्चन आपके लिए नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है श्री धर्मेंद्र प्रधान, कौन है ये धर्मेंद्र प्रधान, मिनिस्टर ऑफ फॉर पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्सेज के आपके हैं, ठीक है, मिनिस्टर हैं, आपको याद रखना है। इन्होंने जो है गैस एंड स्टील के लिए एक पूर्वोध्या जो है वो लॉन्च किया है, ठीक है, कहाँ पर लॉन्च करेंगे, 11th of January 2000 द ओबेरॉय ग्रैंड। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ जो इस गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा, डेली इस वीडियो को देखिएगा और साथ में नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम आने पर आपको अच्छे से क्वेश्चंस जो हैं आते होंगे। साथ ही में MCQs की वीडियो भी डेली डलेगी, आप उसको भी देख सकते हो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।